4 साल का नौकरी होता है कि जैसे गिफ्ट जरा भट्टिक वाला गाड़ी के लो 4 साल चलेगा। मौत आगे दे रहे हैं, जिंदगी को उसको पीछे कर रहे हैं। नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, जान मारने का काम कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी बार बार करते हैं ऐसा आती साजिश करके ऐसा हमला करवाते हैं करते हैं कि लोग दंगा फसाद ऐसा बोले कि हो जाए। आखिर विपक्ष वाला किसान है, हम लोग तो ये कहे तू वापस ले हमारे बेरोजगारियों को रोजगार दे, बस आना ही इनसे चलता था गति छोड़ दे। तो तेजस्वी प्रसाद यादव यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जो है स्थिति गहमागहमी है और यहाँ पर जो है मुन्नी रजक है उनसे बात करेंगे जो है आज पहुंचे हैं राज्यपाल भवन मिलने अग्निपथ मामले को लेकर क्या कहेंगे। वापस ले सरकार, 4 साल का नौकरी होता है कि जैसे गिफ्ट जरा भट्टिक वाला गाड़ी के लो 4 साल चलेगा। हमारे युवा नौजवान 4 साल का बैठिक है, कैसे कहता है मौत आगे और उसका जिंदगी पाछे कर रहे हैं। सरकार मौत आगे दे रहे हैं, जिंदगी को उसको पीछे कर रहे हैं। यही सरकार का साजिश है। कई स्कीम जो योजना है वो बच्चों के लिए सही नहीं है। सही है तो आत्महत्या करने के लिए इसके जुबान को ऐसे के बोलने का काम किया है। नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, जान मारने का काम कर रहे हैं कि अपने से अपने आत्महत्या करे। जो मानते हैं इसको तैयारी किए हुए है दौड़ में इसको भागीदारी लेने के लिए, जो अपना तैयारी किया लड़कन लोग आत्महत्या न करे जैसे किसान के किए हैं। ये नरेंद्र मोदी जी बार बार करते हैं ऐसा आती साजिश करके ऐसा हमला करवाते हैं करते हैं कि लोग दंगा फसाद ऐसा बोले कि हो जाए। आखिर विपक्ष वाला किसान है, लेकिन हमारे युवा नौजवान आवाज उठाने वाला को बंधक बना रहे हैं, फाजी मुकदमों में फंसा रहे हैं, वापस कर रहे हैं उन लोग को छोड़ने का काम। आज आज जो है आप लोग पूरा महागठबंधन के दलों के नेता पहुंचे हैं, अब क्या कुछ होगा? हम लोग तो ये कहे तू वापस ले हमारे बेरोजगारियों को रोजगार दे, बस आना ही इनसे चलता था गद्दी छोड़ दे। एक सवाल पूछेंगे कि तो यहाँ पर गद्दी छोड़ने की बात कर रहे हैं मुन्नी रजक जो कि नव निर्वाचित MLC हैं और यहाँ पर जो है तेजस्वी यादव अब राजभवन से निकल गए हैं और मीडिया से बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि काफी भीड़ है और काफी संख्या में लोग आए हैं महागठबंधन के नेतृत्व कर रहे हैं तेजस्वी यादव आज जो है अग्निवीर को लेकर के जिस तरह से देश में हिंसा हो रही है उसके खिलाफ जो है आज तेजस्वी यादव सड़क पर उतरे हैं और यहां पर जो स्थिति है काफी भीड़ भाड़ इलाका है और यहां जो ये जो एरिया है राजभवन मार्च है और राजभवन एरिया है राज्यपाल महामहिम राज्यपाल यहाँ पे रहते हैं और महामहिम राज्यपाल से मिलकर तेजस्वी यादव बाहर निकले हैं और जो अग्निवीर के खिलाफ जो स्कीम है इनका जो एकजुटता है महागठबंधन में वो कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अग्निवीर जो है युवाओं के हित में नहीं है। जिस तरह से 4 साल की नौकरी की बात कही जा रही है और उसको उसके आगे क्या करेंगे युवा ये बात हो रही है और यहाँ पर जो है तेजस्वी यादव मीडिया से बात कर रहे हैं और जो है अग्निवीर के खिलाफ पूरे देश में हिंसा हो रही है और इसको लेकर के लगभग 1200 से ऊपर गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कई शिक्षक और कोचिंग संचालक पर कार्रवाई हुई है और यहाँ पर जो है राजभवन के पास है और यहाँ पर भीड़ काफी है और ये काफी संवेदनशील इलाका है और यहाँ पर तेजस्वी यादव भी पहुंचे हैं महागठबंधन के नेतृत्व करते हुए और आगे क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी क्योंकि तेजस्वी यादव ने तो ज्ञापन सौंपा है महामहिम राज्यपाल को। अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होती है। बहरहाल बने रहें जनता जनसंघ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।